साथियों नमस्कार। आइए जानते हैं बटन की साइज मिलीमीटर में और इंचेस में क्या होती है और कितने लाइंस का बटन होता है। एक्चुअली साथियों जो लाइंस वर्ड है ये फ्रेंच यानी फ्रांस से शुरू हुआ था, यानी कि हमारी जो बटन्स है वो लाइंस में देखी जाती है, यानी लाइंस में बोला जाता है और उसको मिलीमीटर में नाप करके और इंच में नाप करके आप पता कर सकते हैं कि कितने लाइन की बटन है। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा ताकि आप आसानी से इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये साथियों जानते हैं 14 लाइन की जो बटन होती है, 14 लाइन की बटन में जो मिलीमीटर होता है 8.9 मिलीमीटर, यानी कि इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.37 इंच। आगे बढ़ते हैं साथियों, यानी कि 16 लाइन की बटन है तो 10.1 मिलीमीटर की लंबाई होगी और अगर इंच में जाएंगे तो 0.41 इंच। आगे बढ़ते हैं साथियों, 18 लाइन की बटन है तो 11.4 मिलीमीटर उसका लंबाई होगा और अगर इंच में देखा जाए तो 0.38। उसी प्रकार 20 लाइन की बटन है तो 12.7 mm की होगी लंबाई और 0.51 इंच होगा। यानी कि 21 लाइन की बटन है तो 13.3 mm लंबाई और 0.53 इंच उसकी लंबाई होगी, यानी इंच और मिलीमीटर दोनों में मैं आपको समझा रहा हूं। 22 लाइन की बटन है तो 14 mm उसकी लंबाई होगी, 0.57 इंच। 23 लाइन की बटन है साथियों तो 14.6 mm लेंथ होगा उसका और उसको अगर इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.59। 24 लाइन की बटन है तो 15.2 mm उसकी लंबाई है और साथ में इंच में अगर कन्वर्ट करें तो 0.63। 27 लाइन यानी कि 17.1 mm लंबाई, अगर इंच में लेंगे तो 0.67 इंच। 28 लाइन की बटन है साथियों तो 17.8 उसकी लंबाई होगी mm में और 0.69 उसका इंच में होगा। इसी प्रकार साथियों अगर 30 लाइन की बटन है तो 19 mm उसकी लंबाई होगी, अगर इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75 इंच। 32 लाइन की बटन है तो 20.3 mm उसकी लंबाई होगी और 0.83 उसका जो है वो होगा इंच में। उसी प्रकार साथियों 34 लाइन की बटन है तो 21.6 mm उसकी लंबाई होगी और 0.86 इंच, यानी कि 36 के बाद जो है साथियों 40 लाइन का अगर बटन है तो 25.4 उसकी mm में लंबाई होगी और 1 इंच पूरा जो है वो इंच में होगा, 1 इंच लंबाई। तो आशा करता हूं साथियों आपको बटन साइज का पूरा नॉलेज, जैसे मैंने बटन होल का नॉलेज दिया था उसी प्रकार बटन साइज का भी नॉलेज दे रहा हूँ। साथियों बटन जो होती है वो बहुत प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ कि सोने की भी बटन होती है, चांदी की बटन होती है, लकड़ी की बटन होती है, सिप की बटन होती है, मेटल बटन होती है, प्लास्टिक की बटन होती है, रबड़ बटन होती है, बहुत तरह की बटने होती हैं साथियों। यानी कि लोहे की स्टील की भी बटन होती है, शीशे की भी बटन होती है, बहुत तरह की बटने का यूज किया जाता है साथियों। बीट्स की भी बटन होती है, यानी नाना प्रकार की बटन्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनती है और यूज की जाती है। तो आशा करता हूँ साथियों आपको बटन साइज का अच्छा नॉलेज मिलेगा इससे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।